कैबिनेट विजन से ईओबीए की पेंशन बढ़ने की समरी मंजूर हो चुकी है। अब यह आपको बढ़ी हुई पेंशन कब और कैसे मिलेगी और अगर किसी को इसके हसूल में कोई मसला दरपेश आता है तो हम बताएंगे आपको कि वो आपने कैसे हल करना है। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दस्तक चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईओबीआई की पेंशन जो 6500 से बढ़कर 8500 हो चुकी है वो आपको 1 अगस्त 2020 को आपके अकाउंट्स में। बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस भी किए दिल बर्दाश्ता होके कि आप लोगों ने जो न्यूज़ दी है पेंशन इंक्रीज़ की ये फेक है, एक दफ़ा मिली है उसके बाद ये स्टॉप हो गई हुई है। तो भाइयों ऐसा नहीं है, पहले इसकी मंजूरी नहीं हुई थी तो चेयरमैन साहब ने ईओबीआई के पहले ही लोगों को बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बाद में रोक दिया गया था, जो कि अब फेडरल कैबिनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है और अब आपको अगस्त 2020 से ये बढ़ी हुई पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो कि पर मंथ 8500 होगी। और ये अगस्त में जो आपको पेंशन मिलेगी इसमें आपको पिछले 3 मंथ्स के बकाया जात अप्रैल मई और जून के भी मिलेंगे। टोटल मिला के आपको मिनिमम पेंशन 14500 अगस्त के महीने में मिलेगी और ये इंक्रीज पेंशन आपको ऑटोमेटिकली आप लोगों के एटीएम कार्ड्स में अगस्त के महीने में आ जाएगी। अगर बिलफर्ज किसी के अकाउंट में नहीं आती, कोई इशू होता है तो तब आप लोग ईओबीआई के किसी भी नज़दीकी ऑफिस में जाके वहां से अपनी पेंशन अपडेट करवा सकते हैं।